हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये हमारी प्रैक्टिस सेट की 13वीं सीरीज है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मृगनयनी किसकी कृति है? ए दिया गया है लक्ष्मी नारायण वर्मा की, बी दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा की, सी दिया गया है जिनेंद्र जैन की और डी दिया गया है राम कुमार वर्मा की। तो देखिए दोस्तों, जो मृगनयनी है, मृगनयनी वृंदालाल वर्मा की कृति है। ठीक है दोस्तों, ये वृंदालाल वर्मा की कृति है। देखिए, जो वृंदालाल वर्मा की जो मृगनयनी है, ये एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें 15वीं सदी के जो ग्वालियर के राजा थे, प्रतापी राजा, जिनका नाम था राजा मान सिंह तोमर, और जो उनकी पत्नी थी रानी मृगनयनी, उनकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें? मृगनयनी में। तो जो इसकी कृति है वो किसने लिखी है? वृंदावन लाल वर्मा ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा बी है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्रुव स्वामी के रचयिता कौन है? ए दिया गया प्रसाद, बी दिया गया पंत, सी दिया गया निराला और डी दिया गया महादेवी वर्मा। तो देखिए दोस्तों, जो ध्रुव स्वामी है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रसिद्ध हिंदी नाटक है। और दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ध्रुव स्वामी है, ये जयशंकर प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ कृति नाटक है। ठीक है, ये अंतिम नाटक है किनकी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसके अलावा जो इनकी प्रसिद्ध नाटक है वो कमायनी, कमायनी जयशंकर की बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध नाटक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। ए दिया गया सुभद्रा कुमारी चौहान, बी दिया गया है जगन्नाथ शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सी दिया गया है बालकृष्ण शर्मा और डी दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए दोस्तों, जो झांसी की रानी है, झांसी की रानी बहुत ही फेमस कविता है और जो इसके रचयिता हैं ये आपको पता ही है, इसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे, घासीराम कोतवाल, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? ए दिया गया अमृतलाल, बी दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी दिया गया है नामवर सिंह और डी दिया गया है विजय तेंदुलकर। तो देखिए दोस्तों, जो घासीराम है, घासीराम कोतवाल है, ये जो है वो विजय राम तेंदुलकर की है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, जो विजय राम तेंदुलकर हैं, विजय जो तेंदुलकर हैं, इनकी बहुत सारी और भी रचनाएँ हैं, नाटक हैं, जिसमें जो इनकी ढाई पन्ने गिद्ध कोट चालू आहे, घासीराम कोतवाल, और जो आपने पिछली वीडियो में देखी थी इनकी कृति एक और थी सखाराम बाइंडर, ये बहुत ही चर्चित नाटक हैं। देखिए दोस्तों, जो विजय तेंदुलकर हैं, विजय तेंदुलकर एक प्रसिद्ध मराठी नाटककार, निबंधकार और लेखक, ये लेखक भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो घासीराम कोतवाल है ये किसकी है? विजयराम तेंदुलकर की है। तो जो डी ऑप्शन हमारा वो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, यशोधरा के रचयिता कौन है? यशोधरा के रचयिता कौन है? ए दिया गया है मैथिल शरण गुप्त, बी दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी, सी दिया गया है बालकृष्ण वर्मा और डी दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए दोस्तों, जो यशोधरा है, यशोधरा के जो रचयिता हैं ये हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है दोस्तों, कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती, पंचवटी, जय भारत, झंकार आदि जो इनकी बहुत ही ज़्यादा ये फेमस और प्रसिद्ध काव्य हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्या? यशोधरा के अलावा भारत भारती, पंचवटी, जय भारत, झंकार, ठीक है, ये सभी के सभी प्रसिद्ध काव्य हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, दांत खट्टे करना, नेक्स्ट यहाँ पे दांत खट्टे करना। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे दांत खट्टे करने का अर्थ है, अर्थ क्या होगा? ए है हार जाना, बी है हरा देना, सी है धोखा देना और डी है बेईमानी करना। तो देखिए दोस्तों, कहते हैं कि हमने युद्ध में दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, तो दांत खट्टे करने का मतलब होता है कि हरा देना। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, गृह प्रवेश में कौन सा समास है?
ए दिया गया है अव्ययी समास, बी दिया गया द्विगु समास, सी दिया गया द्वंद्व समास और डी दिया गया तत्पुरुष समास। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। देखिए क्योंकि गृह प्रवेश को अगर हम देखें तो गृह प्रवेश का होता है गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो देखिए यहाँ पे में आ रहा है गृह में प्रवेश, तो जहाँ पे भी कारक चिन्ह आते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, इस प्रकार से अगर आते हैं तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है गृह में प्रवेश, तो गृह में प्रवेश में क्या है? तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। द्वंद्व समास की बात करते हैं तो द्वंद्व समास में हमेशा अपोजिट होता है, जिसमें जो योजक चिन्ह होते हैं इसमें और या, ठीक है, इस प्रकार के आते हैं। तथा जैसे हमने कहा माता और पिता, रात या दिन, रात और दिन, ठीक है। तो हमेशा द्वंद्व का मतलब होता है अपोजिट। द्वंद्व मतलब आप समझ लो कि द्वंद्व का मतलब होता है जैसे प्रतिद्वंदी कहते हैं अपोजिट, ठीक है, तो वैसे ही जो द्वंद्व होता है द्वंद्व हमेशा अपोजिट आता है। द्विगु में जो होता है वो हमेशा संख्यावाची होता है, ठीक है, जैसे इसमें पंचवटी हो गया, ठीक है, पंचवटी चौराहा, इस प्रकार से जहाँ पर भी अगर संख्यावाची आते हैं तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगर हम अव्ययी भाव की बात करें तो अव्ययी भाव में इसका पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रति, यथा, वका, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आगे आते हैं। और इसके अलावा अगर एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव होता है, ना कि द्वंद्व। जैसे हमने कहा रातों रात, दिनों दिन, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिनों दिन दो दो बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर अव्ययी भाव होगा, वहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। ए दिया गया है तिरस प्लस कार, बी दिया गया है तिरस तिरह प्लस कार, सी दिया गया तीर प्लस कार और डी दिया गया है तीर प्लस कार। तो देखिए दोस्तों अगर हम तिरस्कार का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा तिर प्लस तिरह प्लस कार। तो देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए यहाँ पे जो विसर्ग चिन्ह लगा है तो इसलिए यहाँ पे विसर्ग संधि होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धमाका में पढ़ते बताइए, धमाका में पढ़ते बताइए। ए दिया गया आग, बी दिया गया अक, सी दिया गया आका और डी दिया गया अक्कड़। तो देखिए दोस्तों पढ़ते जो होते हैं हमेशा पीछे जोड़ते हैं शब्द के, तो यहाँ पे देखिए धमाका का बोल रहे हैं तो आ रहा है, ठीक है, धमाका माका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माका आका, ठीक है ना। तो देखिए जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे अक तो हो नहीं सकता क्योंकि पीछे का दिया गया है, तो यहाँ पे आग भी हो नहीं सकता। और ये देखो तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे अक्कड़ दिया है ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो तीन ऑप्शन जो होते हैं हमारे बिल्कुल ही गलत होते हैं, एक ही ऑप्शन जैसा है जो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कानन किस शब्द का विलोम है? ए दिया गया वन का, बी दिया गया सुनसान का, सी दिया गया भीड़ का और डी दिया गया शहर का। तो देखिए दोस्तों जो कानन होता है, कानन का सबसे पहला आपको अर्थ पता होना चाहिए कि होता क्या है। देखिए कानन का मतलब होता है वन या अरण्य, गहन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कानन का मतलब जंगल होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। तो कानन, कानन का अगर पर्यायवाची भी आ जाता है तो आपको इससे पता लग जाएगा कि कानन का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, वन, जंगल, अरण्य, गहन, ठीक है, विपिन। ये सब एक बार पूछा भी गया था यहाँ पे कि कानन का विलोम क्या होगा, कभी पूछा था कि कानन का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो पर्यायवाची आपको पता चल गए कि कानन का पर्यायवाची वन हो गया, अरण्य हो गया, गहन हो गया, कालन जंगल हो गया, विपिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कानन का विलोम क्या होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है? कानन का विलोम क्या होगा? तो ए दिया गया वन, बी दिया गया सुनसान, सी दिया गया भीड़ और डी दिया गया शहर। तो देखिए दोस्तों मैंने कहा कि कानन का मतलब जंगल, ठीक है, जंगल या अरण्य, जंगल अरण्य इस प्रकार से होते हैं, तो इसका क्या होगा? शहर होगा, ठीक है, क्या होगा इसका विलोम? शहर। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? ए देगे कोतहल, बी देगे कोतूहल, सी देगे कोतूहल और डी देगे कोतेहल। तो देखिए दोस्तों अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात करें तो शुद्ध वर्तनी होगा कोतूहल, ठीक है, तो जो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कृतज्ञ, कृतज्ञ किस इनमें से किसका विलोम है? ए देगा उदार, बी देगा निर्दयी, सी देगा कृतज्ञ और डी देगा आगे कर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कृतज्ञ का मतलब क्या होता है। तो देखिए कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद या उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? उपकार को मानने वाला। तो कृतज्ञ का जो अपोजिट होता है, विलोम होता है, वो होता है उपकार को न मानने वाला। तो जो उपकार को न मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। तो जो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी वर्तनी सही है? ए दे गया प्राकथन, बी दे गया प्राकथन,
सी दे गया प्राकृथेन और डी दे गया है प्राकृथेन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात करें तो यहाँ पे जो प्राकृथन दिया गया है ए ऑप्शन वो हमारा सही दिया गया है। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे धीवर किसका पर्यायवाची है, धीवर किसका पर्यायवाची है, ए दिया गया धोबी, बी दिया गया है नाई, सी दिया गया है केवट और डी दिया गया है चिड़ियामार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जो धीवर होता है, धीवर का मतलब होता है केवट, तो यहाँ पे जो पर्यायवाची दिया गया है इसमें जो केवट दिया गया है वो हमारा सही ऑप्शन है। धीवर का मतलब क्या होता है, केवट, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा। ए दिया गया दैनिक जागरण, बी दिया गया, ए दिया गया दैनिक जागरण धुलाई तूफान, और बी दिया गया है तूफान दैनिक जागरण धुलाई, सी दिया गया धुलाई दैनिक जागरण तूफान और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि संज्ञा होता क्या है। देखिए जो संज्ञा होता है उसे, जो संज्ञा होती है किसी जाति, व्यक्ति, स्थान, ठीक है, या द्रव्य, गुण, इनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम पशु में, अगर हम जाति की बात करें तो जाति में जैसे पशु आ गया, जैसे अगर गुण की बात करें तो गुण में जैसे सुंदरता क्या है, गुण है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति में जैसे मोहन, ठीक है, अगर स्थान की बात करें तो दिल्ली, इस प्रकार जो आते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, बी एक दूसरा जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक, और तीसरा जो होता है वो होता है भाववाचक। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि इनका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे दिया गया व्यक्तिवाचक, तो चलो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो व्यक्तिवाचक होता है इसमें केवल एक, किसमें, इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें आएगा व्यक्तिवाचक में अमेरिका, भारत, अनिल, ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या हो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का प्रयोग होता है वहाँ पे क्या होता है व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं भाववाचक के बारे में, तो देखिए दोस्तों भाववाचक वो संज्ञा होती है जिस संज्ञा शब्द में पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उससे हम क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे बात की कि व्यक्ति या किसी चीज़ की अवस्था के बारे में, गुण और दोष के बारे में, उसके धर्म के बारे में, जैसे हमने कहा बुढ़ापा, इसमें क्या आता है भाववाचक में, भाववाचक में आता है बुढ़ापा, ठीक है, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ठीक है, धुलाई, ये सब किस में आएंगे भाववाचक में, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर, हाँ अगर हम इसके आगे बात करें कि जो भाववाचक होते हैं, भाववाचक को भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक तो समुदायवाचक में और दूसरा द्रव्यवाचक में, ठीक है दोस्तों। समुदायवाचक में जिसमें व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, इसमें अगर समूह में आते हैं तो उसे हम समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं, जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल, मानव, ठीक है, ये सब भी किस में आएंगे समुदायवाचक संज्ञा में, ठीक है। जो दूसरा होता है इसी का पार्ट वो होता है द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक में क्या आता है कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा धातु या द्रव्य क्या क्या होते हैं, जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा, ये सब क्या हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये दोनों के दोनों जो संज्ञाएँ हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जो तीसरी है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, तो जो जातिवाचक संज्ञा होती है जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, इसमें क्या होता है कि संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तूफान, ठीक है, मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव, जितने भी ये शब्द हैं ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पता लग गया होगा तो इनमें से कौन सा सही क्रम है, तो इनमें से जो सही क्रम है वो है हमारा ए। देखिए जो दैनिक जागरण है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जो भाववाचक है ये धुलाई, धुलाई क्या हो जाएगा भाववाचक, और जो जातिवाचक होगा वो होगा तूफान, तूफान क्या हो जाएगा जातिवाचक। जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने में जो त्रुटि होती है, ए दिया गया उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, बी दिया गया उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, सी दिया गया वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, डी दिया गया है वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं,
और डी दिया गया है यहाँ पे, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो भाषा होती है, भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं, ठीक है, जो समय के साथ क्या होती हैं, धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। तो जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है, ए दिया गया है अभिनय, बी दिया गया है अर्थबोध विधि, सी दिया गया है काव्यखंड विधि और डी दिया गया है नाटक विधि। तो देखिए दोस्तों, जो भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की जो विधि होती है उसे हम अर्थबोध विधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे भाषाई कौशल का सही क्रम है, भाषाई कौशल का सही क्रम है, ए दिया गया सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना, फिर दिया गया बी दिया गया सुनना पढ़ना लिखना बोलना, सी दिया गया सुनना बोलना पढ़ना लिखना और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो भाषाई कौशल का जो सही क्रम होता है वो होता है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है, ए दिया गया क्रिया का सिद्धांत, बी दिया गया एकीकरण का सिद्धांत, सी दिया गया समवाय का सिद्धांत और डी दिया गया सत असत का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें कि सिद्धांत नहीं पूछा गया है यहाँ पे, कि क्या हिंदी पाठ्यक्रम के निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो जो नहीं है वो है सत असत का सिद्धांत, ये हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, ए दिया गया चयन का सिद्धांत, बी दिया गया शिक्षण सूत्र का सिद्धांत, सी दिया गया बोलचाल सूत्रों का सिद्धांत और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे भाषा शिक्षण के सिद्धांत की बात करें कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए सभी के सभी, जो चयन का सिद्धांत है ये भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, जो ये दिया गया है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत ये भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, और जो सी दिया गया बोलचाल सूत्रों का सिद्धांत ये भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। तो जो इनमें से डी दिया गया इनमें से कोई नहीं, ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है, ए दिया गया भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, बी दिया गया विषय की जांच करना, सी दिया गया अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति देना और डी दिया गया ये सभी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर हम बात करें भाषा शिक्षण के मूल्यांकन की, तो भाषा शिक्षण के मूल्यांकन में ये सभी आते हैं। ठीक है, विषय की जांच करना भी आता है, अगली कक्षा में जो कक्षाओं की क्रमोन्नति भी देना होता है, ठीक है, और साथ साथ भाषा में के प्रति जो रुचि है वो भी जागृत करनी होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है, भाषा शिक्षण का यह क्रियाकलाप है, ए दिया गया प्रश्न पूछना, बी दिया गया शब्द विश्लेषण, सी दिया गया वार्तालाप और डी दिया गया वाचन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो अगर हम बात करें यहाँ पे कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य जो होता है वो पूरा तभी होता है, ये भाषा शिक्षण का कौन सा क्रियाकलाप है, यह है वाचन। ठीक है, जब वाचन करते हैं तब जा कर के जो पढ़ करके जो अर्थ होता है उसको ग्रहण किया जाता है, तब हमारा उद्देश्य पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है, ए दिया गया कठिन निवारण द्वारा, बी दिया गया विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, सी दिया गया उच्चारण संशोधन द्वारा और डी दिया गया वाचन द्वारा। तो देखिए दोस्तों, जो भाषा शिक्षण है इसके दौरान जो शुद्ध एवं जो स्पष्ट बोलने की जो योग्यता मिलती है वो वाचन के द्वारा मिलती है, वाचन मतलब बोल बोल के बोलना। ठीक है, तो इसी के द्वारा क्या होती है, शुद्ध और स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, यहाँ पे मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना, अपेक्षित परिवर्तन जिस उद्देश्य की संभावना है वह है, ए देगा अर्थग्रहण, बी देगा भाषा तत्व, सी देगा अभिरुचि और डी देगा सत प्रवृत्तियों का विकास। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे दिया गया है कि मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना है, तो ये किसका है, सत प्रवृत्ति का विकास है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट है, व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है, ए देगा शुद्ध, बी देगा अशुद्ध, सी देगा है अभिरुचि और डी देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो व्याकरण है, व्याकरण से के ज्ञान, अगर आपका व्याकरण का ज्ञान सही है तो आपकी जो भाषा होगी वो भी शुद्ध बनेगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, ए दिया गया छात्रों में सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना, बी दिया गया भावानुकूल भाषा प्रयोग स्वर निर्माण अंग संचालन का अभ्यास करना, सी दिया गया छात्रों के शुद्ध सरल स्पष्ट और आत्मव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे डी दिया गया वो उपरोक्त सभी है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं
इसमें जो डी ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी वो अधिकतर हमेशा सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी दिया गया वो हमारा सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ए दिया गया साचार्य सिद्धांत, बी दिया गया आवृत्ति का सिद्धांत, सी दिया गया बोलचाल का सिद्धांत और डी दिया गया है लिखने का सिद्धांत। तो अगर हम बात करें भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत की, तो जो भाषा शिक्षण का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो होता है लिखने का सिद्धांत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया वो हमारा सही है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्ति वाचन को कहते हैं। ए दिया गया सामूहिक वाचन, बी है आदर्श वाचन, डी दिया गया अनुकरण वाचन सी दिया गया अनुकरण वाचन और डी दिया गया जो वह है स्वस्वर वाचन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो अध्यापक है, अध्यापक में जो व्यक्तिगत वाचन करता है उन्हें हम आदर्श वाचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार है। ए दिया गया है एल वाई गोत्सी, बी दिया गया इवान पॉलॉग, सी दिया गया है नॉमोन चॉम्स्की और डी दिया गया जीन प्याजे। देखिए दोस्तों जो ये दिया गया है, ये जो विचार है ये नियोम चॉम्स्की का दिया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, अध्यापक की देख रेख में विद्यार्थी द्वारा किया जाने वाला कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है। ए दिया गया अनुसंधान विधि, बी है समस्यात्मक विधि, सी है अवलोकन विधि और डी दिया गया है प्रदर्शन विधि। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, जो अध्यापक की देख रेख में जो विद्यार्थी द्वारा किया जाने वाला जो कार्य होता है उसे अवलोकन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अवलोकन विधि। तो जो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो यूटेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।